wanna say is turn the volume up on your speakers, pump up the bass like this. पहले खाली मर्द काम करते थे और लड़कियां घर पे बैठती थी। आजकल बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो इतने लेजी हो गए हैं कि लड़कियों को से काम करवाते हैं और घर पे फालतू काम करते हैं कुछ कुछ अकेले, कुछ कुछ अलग लड़कियों के साथ। एक्चुअली क्या, मैंने पहली फिल्म में इतना अच्छा टाइटल रखा कि यू नो कुछ कुछ होता है, कहो ना प्यार है, कल किसने देखा ही नहीं। अभी जब फालतू रखा है तो ऑलरेडी लोग इतना बात कर रहे हैं, तो अभी मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही टाइटल रखने वाला हूँ फालतू टाइप के। बिकॉज क्या है, मैं फालतू टाइप के टाइटल रखता हूँ तो लोगों को बल्कि पसंद आता है, पार्टियाँ भी बाकी है और यू नो जो लुक है। और इस फिल्म में मैं जीन्स में हूँ, चप्पल में हूँ, शॉर्ट्स में हूँ, गंजी में हूँ, तो लोग बोले अरे वाह यार उसमें जैकेट पहना है, शेड्स पहना है, ये पहना है, और लोग बोले यार क्या कर रहा था तू यार। फालतू में मस्ती के अलावा आज से पढ़ाई भी होगी। क्या कहा था मैंने, गड़बड़ हो जाएगी, लग गई ना। तुम लोगों ने कभी गूगल की हेल्प नहीं ली है? गूगल और हम लोग फूल्स डे का मीनिंग चेंज करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कॉल इट फालतू डे फ्रॉम नाउ। एक्चुअली क्या है, मजाक के अलावा बेसिकली क्या है कि यू नो हम सब ये बताना चाह रहे हैं कि इस लाइफ में कोई भी फालतू नहीं होता। यू नो जस्ट बिकॉज फॉर एग्जाम्पल यू नो आप लोग भी बचपन में अगर कहा होगा कि मैं जर्नलिस्ट बनूंगा तो आपके पेरेंट्स ने बोला क्या फालतू काम करेगा, माइक पकड़ेगा। और आज अगर गलती से अगर आप टीवी पे आते हो तो लोग बोलते पता है वो मेरा दोस्त। तो बेसिकली ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि कोई भी लाइफ में फालतू नहीं होता, बस यही होता है एक सही मौके की तलाश होती है और जैसे ही आपको वो मौका मिल जाता है सडनली आप फालतू नहीं रहते। अपने बच्चों की फ्यूचर की फिक्र ना करें, उनका कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं मेरे लिए तो बहुत अच्छा है बिकॉज 31st को तो कोई मैच नहीं है, तो फर्स्ट को तो फिल्म देखने आ जाएंगे, फिर सेकेंड में इंडिया वर्ल्ड फाइनल में आने वाली है और वर्ल्ड कप जीतने वाली है, तो यार देश के लिए यार 200 कुर्बान करना भी बड़ी बात नहीं है और हम खुश हो जाएंगे। और फिर मेरा लास्ट शो और संडे और लोग भर भर के आएंगे, मंडे को भी आएंगे, ट्यूसडे को भी आएंगे, तो एक्चुअली आई एम तो वेरी हैप्पी कि मैं फाइनल्स के एक दिन पहले आ रहा हूँ और इंडिया फाइनल जीतेगी, खुशी खुशी सब फालतू के देखने जाएंगे।